संगठन ने संयुक्त रूप से हनुमान नगर में दलित पिता पुत्र की हुई हत्या पर जताया रोष। जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जनपद मुरादाबाद के थाना मंजुला क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला हनुमान नगर में दलित पिता पुत्र की उनके पड़ोसी द्वारा पुरानी रंजिश के चलते लाठी डंडों व पत्थर से पीट पीट कर हत्या कर दी गयी। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गयी थी। इस मामले में पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही भी कई सवालों के घेरे में खड़ी है। घटना से दलित समाज में काफी रोष है, जिसको लेकर आज समस्त दलित संगठनों का नेतृत्व करते हुए अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर प्रसाद मौर्य ने जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि मृतक के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा एवं सरकारी नौकरी दी जाए। पुलिस द्वारा मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्शाया गया। जल्द से जल्द मामले को हत्या में तब्दील किया जाए और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। ज्ञापन देने वालों में MP सिंह, किशन लाल सिंह, एडवोकेट मुन्ना लाल, एडवोकेट चंदन सिंह आदि लोग मौजूद थे। महावीर प्रसाद मौर्य जी, मौर्य जी के संबंध में यहाँ आना हुआ है आज। ये जो थाना मझौला के अंतर्गत जो मोहल्ला है हनुमान नगर, वहाँ पे 5 तारीख को डबल मर्डर हुआ है और जिनका मर्डर हुआ है वो दलित समाज से हैं और मारने वाले सवर्ण समाज के हैं और बेरहमी से उनकी हत्या की गई है। ईंटों पत्थरों से उनको बुरी तरीके से मारा है। सर को उनके बिल्कुल छत विछत कर दिया है और निर्मम हत्या की गई है और उसमें जो है पूरे मुलजिम पुलिस ने गिरफ्तार नहीं करे और उसको मुलजिम जो है केवल 2 मुलजिमों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है और थाना आजा की पुलिस ने इतने बड़े अपराध को गैर इरादतन हत्या में दर्ज कर लिया। तो हमारी अब ये मांग है कि ये जो है 302 का मैटर है और 302 में ये तरमीम हो, पूरे मुलजिम गिरफ्तार हों और इनको जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलाई जाए और इनके ऊपर रासुका लगाई जाए और जो पीड़ित परिवार में एकमात्र वारिस है मुकदमा बादनी, उसको 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल दी जाए।